अब हम चलते हैं जी नाइफ बेस्ड एल्गोरिथम की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं उनको देखते हैं और टाइप्स के साथ साथ हर किस्म का नाइफ बेस्ड एलगोरिथम जो है उनको हम समझने की भी कोशिश करते हैं मैं स्क्रीन अपनी शेयर करता हूं आपके साथ यहां पे अगर आप गौर करें तो मैं अपनी वीडियो को थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ यहाँ पे ताकि आपको समझ आए नाउ यू कैन सी क्या टाइप्स ऑफ नाइफ बेस्ड एलगोरिथम देर आर मेनी मेनली थ्री टाइप्स ऑफ नाइफ बेस्ड मॉडल्स या एल्गोरिथम विच आर यूज डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द फीचर्स वेरिएबल एग्जाम्पल गोशियन नाइफ बेस ये तब यूज होगा वेन फीचर्स आर कॉन्टीन्यूस एंड नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जब आपके जो फीचर्स हैं वो कॉन्टीन्यूस होंगे यानी कि कॉन्टीन्यूस डेटा होगा आपके एक्स के अंदर एंड नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे देन यू विल यूज गोशियन नाइफ बेस इसका नाम भी गोशियन नाइफ बेस इसी वजह से पड़ा है बिकॉज दिस एज्यूम के आपके फीचर्स की गोशियन डिस्ट्रीब्यूशन है जिसको हम नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा बोलते हैं यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको ठीक है देन मल्टी नोमियल नाइफ बेस है फीचर्स आर फ्रिक्वेंसीज ऑफ द वर्ड्स और टोकन इन द डॉक्यूमेंट मल्टीनोमल नाइफ बेस तब यूज होता है जब आप बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स को क्लासीफाई कर रहे होते हैं सिर्फ फॉर एग्जाम्पल आपने पूरा ऐसे लिखा है अगर उसको आपने किसी एक क्लास में कन्वर्ट करना है देन यू विल यूज मल्टीनोमियल नाइफ बेस इसका मकसद ही ये है कि आपका डेटा ऐसा है जिसके अंदर फ्रिक्वेंसीज हैं वर्ड्स हैं टोकन हैं और डॉक्यूमेंट्स हैं आप उनको यूज कर सकते हैं देन आपके पास है बर्नॉलिस बर्नॉलिस क्या करता है ये बेसिकली बर्नॉलिस को मैंने आपको बताया भी था बर्नॉल डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको दिखाई थी जिसके अंदर आप बाइनरीज डेटा के साथ डील करते हैं सो so, ये यूज व्हेन फीचर्स आर बाइनरी जब आपके फीचर जीरोज और वन के अंदर हों कि बाइनरी इनकोडिंग हुई हो तब आप बर्नॉलिज नाइफ बेस को यूज करते हैं सो so, आपके पास गोशन नाइफ बेस है मल्टीनोमियल नाइफ बेस है और बर्नॉलिज नाइफ बेस है और इन तीनों की टाइप्स आपकी फीचर्स के ऊपर डिपेंड करती है आपने कौन सा यूज करना है एट द एंड मल्टीनोमियल और बर्नोलिज नाइफ बेस आप सिंपली पाइथन के कोड को यूज करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो मैथमेटिक्स की प्रोबेबिलिटी का पार्ट था वो मैंने पहले आपको बता दिया है अब इसके बाद नाइफ बेस की कुछ एप्लीकेशन भी हैं खास तौर पर नाइफ बेस की अगर एप्लीकेशन की आप बात करें तो आपके पास ईमेल स्पैम फिल्टरिंग में आती है सेंटिमेंट एनालिसिस के लिए डॉक्यूमेंट कैटेगराइजेशन के लिए मेडिकल डायग्नोसिस के लिए ये चार इसकी मेजर एग्जाम्पल्स हैं खासतौर पे ईमेल स्पैम फिल्टरिंग एंड सेंटिमेंट एनालिसिस के लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एल्गोरिथम एंड इट कैन आउट परफॉर्म सम अदर एल्गोरिथम्स जो बेसिक क्लासिफिकेशन के टास्क के लिए यूज़ होते हैं क्योंकि नाइफ बेस एल्गोरिथम बड़ी देर तक आपके ईमेल स्पैम फिल्टरिंग के अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज यूज़ करती आई हैं एंड दे आर स्टिल यूजिंग इट रीज़न भी यही है कि नाइफ बेस एल्गोरिथम क्लासिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट या टेक्स्ट के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम करते हैं एंड देन आपके पास आता है जनाब इसके एडवांटेजेस बेसिकली ये बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म है ठीक है किसी भी एक एल्गोरिथम की एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है इम्प्लीमेंटेशन बहुत हीजी है एफिशिएंट है बहुत स्पीड से काम करता है स्मॉल आउट अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग डेटा आपको चाहिए दैट्स इट और ये बहुत नेसेसरी पैरामीटर्स को लेके आपको डेटा को ट्रेन कर देता है मॉडल uh, को ट्रेन कर लेता है स्पीड बहुत फास्ट है ये मेकिंग सूटेबल फॉर रियल टाइम प्रोडिक्शंस यानी कि इतना फास्ट है कि आपका डेटा जितना आ रहा है रियल टाइम में भी आप उसको अप्लाई कर सकते हैं एंड देन गुड परफॉर्मेंस यानी कि बहुत अच्छा परफॉर्म करता है खासतौर पर मल्टी क्लास प्रडिक्शंस के लिए ठीक है मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है एडवांटेजेस तो सभी पढ़ते हैं हम आते हैं इसकी खामियों की तरफ क्योंकि आपको भी अच्छा लगता है लोगों की खामियाँ निकालना एज ए ह्यूमन बींग और सबको अच्छा लगता है बट वी विल सी दैट कि एल्गोरिथम्स की खामियाँ कौन कौन सी हैं उनको हम बोलते हैं लिमिटेशन ये फीचर इंडिपेंडेंस को अपने जुमरे में रखता है फॉर एग्जाम्पल द असम्पन ऑफ इंडिपेंडेंट फीचर्स इज अ स्ट्रोंग वन एंड नॉट एप्लीकेबल इन सम केसेस अगर आपके फीचर्स जो हैं जिन जिनको हम प्रडिक्टर्स बोलते हैं अगर वो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं यानी कि उनका डिपेंडेंट रिलेशनशिप है यानी कि उन दोनों फीचर्स का आपस में रिलेशनशिप है देन आपका बेस एल्गोरिथम सही तरीके से काम नहीं करता ये एक अजम्प्शन है और ये इसी की लिमिटेशन भी बन जाती है सो so यही चीज़ मैंने यहाँ पर बताई है कि फीचर इंडिपेंडेंस यानी किस इज अ स्ट्रॉग वन And not applicable in some cases. फिर आपका डेटा अगर बहुत स्केर्यस हो फॉर एक्साम्पल इफ ए कटेगोरिकल वेरिएबलगरी इन दैट विच वॉज नॉट ऑब्जर्व इन दिन डेटा सेट द मॉडल विल असाइन इट प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो विल बी अनएबल टू मेक प्रोडिक्शंस और इसको हम जीरो फ्रिक्वेंसी बोलते हैं जीरो फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि आपने ट्रेनिंग के अंदर कोई कैटेगोरिकल वेरिएबल को नहीं डाला लेकिन टेस्टिंग के अंदर वो आ गया आपके पास तो ये उसको जीरो प्रोबेबिलिटी देगा तो आपका डेटा जितना कम होगा उतना ये गलत काम करेगा यानी कि ये ठीक काम नहीं करेगा और जीरो यानी कि जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग बहुत ज्यादा देगा तो इसको जीरो फ्रिक्वेंसी बोलते हैं इस वजह से जो भी ट्रेनिंग डेटा में आपने डेटा को डालना है उसी को टेस्टिंग में भी डालना है यहीं पर जो कल मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था पाइपलाइन का वो बहुत हैंडी हो जाता है क्योंकि वो इंश्योर करता है कि ट्रेनिंग और टेस्टिंग बराबर से डिवाइड हो

अगर को रिलेशन अच्छा है तो उसका मतलब वो डिपेंड भी करते हैं एक दूसरे पे सो यू शुड नो कि आपके फीचर्स इंडिपेंडेंट हैं अगर इंडिपेंडेंट हैं देन इट विल वर्क वेरी फाइनली राइट जी यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा अब आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप एक काम करेंगे और वो काम ये है कि आपने नाइफ बेस एल्गोरिथम की कुछ एप्लीकेशन जो हैं वो खुद से भी देखनी है ताकि आपको पता चले कि नाइव बेस एल्गोरिथम किस तरीके से काम करता है अब हम इस अगले लेक्चर के अंदर देखेंगे कि इसकी इनकोडिंग कैसे करनी है इनको कोड कैसे करना है और नाइव बेस एल्गोरिथम को किस तरीके से हम अप्लाई करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा सेट और जम्पन के साथ भी हम देखेंगे जम्पन के बगैर भी देखने वाले हैं। राइट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर